तो मेरा ये जो लाहौर में जो फिर फिर मैं यहाँ से वापस लाहौर चला गया था 1957 में मई कंपनी ट्रांसफर्ड मी टू लाहौर तो उस 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 पीरियड में या लेफ्ट के जो लोग इंटेलेक्चुअल्स इंटेलचुअल्स जो कम्युनिस्ट पार्टी के मतलब एक फॉर्मर कम्युनिस्ट कम्युनिस्ट जो ट्रेड यूनियनिस्ट राइटर्स इन सब के साथ जो काफ़ी मेरे एसोसिएशन रहा क्लोज एसोसिएशन वो लोग मेरे ऑफिस में आते थे बैठते थे उठते थे सबके पीछे सी होता था तो रिपोर्टिंग होती थी तो प्रोग्रेसिव एलिमेंट्स के साथ जो के जर्नलिस्ट राइटर्स ट्रेड यूनियनिस्ट इन सब के साथ मेरा काफ़ी क्लोज तो कॉन्टैक्ट उस सोत लाहौर में उन दिनों में था और चूंकि देवर ऑल अंडर सर्वेलेंस तो जब मार्शल लॉ लगा तो ये सब अरेस्ट हो गया मैं तो अरेस्ट नहीं हुआ इसलिए कि मैं एक फॉरेन कंपनी का मैनेजर था लाहौर में तो मैं बहुत ज़्यादा ओपनली जो है ना किसी जुलूस में आता था ना किसी प्रोसेशन में या डिमॉन्सट्रेशन में मैं नहीं होता था आ, लेकिन उनके पास रिकॉर्ड ज़रूर था तो मैंने ये सोचा कि भाई जब मैंने देखा कि मेजर इसाक आ, एरिक रहीम वगैरह जो बहुत बड़े मशहूर किस्म के लोग जो थे जो मेरे पास उस वक्त मेरे दफ्तर में मीटिंगें करती थे वो तो वो सब अरेस्ट हो गए और मेरे सामने उनको अरेस्ट करते हुए ले जाते हुए भी मैंने देखा है तो आई न्यू थोड़े दिन के बाद जो है काम भी चले जाएंगे तो बेहतर ही है कि यहाँ से अभी निकल जाओ तो मैं आई मैनेज टू इंडिया के उस वक्त तो वहाँ पर डिप्यूटी हाई था कौनसल जनरल या कुछ लाहौर में तो वहाँ केरला के ऑफिसर्स भी थे वहाँ जाकर मैंने एक वीज़ा ले लिया मेरा मेरी वाइफ का और बच्चों का और मैं चला गया इंडिया 1958 मार्शल लॉ के एक महीने के बाद इंडिया चले गया मैं वहाँ दो तीन महीना रहा और वो वक्त वो था कि के केरला में उस वक्त कम्युनिस्ट गवर्नमेंट थी दुनिया की पहले कम्युनिस्ट गवर्नमेंट जो इलेक्टेड थी दे केम थ्रू बैलेट नॉट थ्रू बुलेट ये हुकूमत थी वहाँ पर तो मुझे बड़ा मैं बड़ा इम्प्रेस था वहाँ पर जो कुछ भी चेंजेस हो रही थी उसको उसके बारे में मैं यहाँ दोस्तों को ख़त लिखता रहा देन फाइनली आफ्टर अबाउट थ्री फोर मंथ्स वन थिंग्स सेटल डाउन हियर सम वॉट तो मैं वापस आ गया मैं वापस आ गया तो ये है कि बस एक महीना मुझे नहीं दिया इन्होंने वापस आ गया मुझे मैं कराची मेरे हेड ऑफिस से एक कॉल आया था मैं कराची आया तो कनेक्न रेलवे स्टेशन पर मुझे गिरफ़्तार कर लिया और गिरफ्तार करके मुझे गिरफ़्तार किया इन्होंने और कोई दस पंद्रह दिन मुझे फ्रेर थाने में रखा और उसके बाद इन्होंने मुझे एक डिटेंशन ऑर्डर दिया जिसमें यह कहा गया था कि आई वॉज एक्चुअली डिटेन अंडर द बंगाल स्टेट प्रिजनर्स रेगुलेशन 1818 एटीन और समथिंग वो कोई रेबेलियन बंगाल में हुआ था उसके उस, उस उसमें लोगों को पकड़ने के लिए था वो जिसका कोई ना तो सुनवाई थी उसका कोई अपील नहीं था कोई रिटर्न नहीं कर सकते थे कुछ भी नहीं और उसमें मुझे इन्होंने रख लिया कि मैं मैं बिन वर्किंग एज एन एजेंट एंड एजेंट ऑफ ए फॉरेन पावर तो दे डिड नॉट मेंशन द फॉरेन पावर इन द ऑर्डर, फिर ये इन्होंने मुझे छः महीने आइसोलेशन में रखा पुलिस स्टेशन में पहले एंड देन आई इट वॉन फॉर अबाउट फाइव सिक्स मंथ्स बिल्कुल आइसोलेशन में इस दौरान में बड़े बड़े गंदे किस्म के गेंदोरोगेशन हुआ गालियाँ ये वो आकर लेते थे उसमें डाल देते थे बिल्कुल मेरे बच्चों के साथ बीवी के साथ कोई कम्युनिकेशन नहीं देवर लाहौर और वो पूरा सैताठ महीने मेरा कोई किसी से दुनिया से कोई कम्युनिकेशन नहीं था अल्टीमेटली मैं अंगर स्ट्राइक किया मुझे इन्होंने उसके बाद जेल ट्रांसफ़र कर दिया जेल में जब आया मैं कराची जेल में तो वहाँ पर तो जिस तरह जन्नत में आया उस आइसोलेशन से इसलिए जी एम सईद साहब वहाँ मौजूद थे ये हमारे दोस्त जो है ना कि आजकल भी उनमें सब एक जिंदा है मेरे ख़्याल से आ, वाहिद बशीर अभी ज़िंदा है बाकी सब गुजर चुके हैं जो जौहर हुसैन इकबाल वग़ैरह वगैरह तो दे आर ऑल डेड नो तो ये सब वहाँ मौजूद थे जब मैं गया तो मेरे लिए एक था कि बिल्कुल इतने प्यार से वो मिले मुझे तो जेल के अंदर इट वॉज़ ऑलमोस्ट लाइक कमिंग बैक होम और फिर जीएम से ही फादर फिगर मौजूद थे उनके साथ मेरे एक बहुत अच्छा एक एसोसिएशन हुआ जो उनके मरने तक मेरा उनके साथ वो रिश्ता रहा उन्होंने मुझे एक बेटे की तरह हमेशा समझा एंड आई ऑलवेज आई मीन आई हैड हाई रिगार्ड फॉर दैट पर्सन वो मेरे कराची में फिर जेल में मैं डेढ़ साल कराची की जेल में था मैं इस दौरान मैं परमानेंट फीचर था जेल का वहाँ फिर आ, आने जाने वाले जो ट्रांजिट पैसेंजर्स जो थे वो आते रहे जाते रहे कराची के स्टूडेंट लीडर्स कराची के प्रोग्रेसिव ट्रेड यूनियज राइटर्स पी डब्ल्यू ए प्रोग्रेसिव वाले वगैरह सारे जो है ना कि जेल में आते रहे फॉर वन रीजन और दियादर अदर एक इंटरेस्टिंग चीज़ मैं इसमें एक, एक दो बताऊंगा वो ये है कि जब आइजन ओवर यहाँ पर आ रहा था आई थिंक इट वाज इन का मुझे एक एक्जैक्ट याद नहीं है समवेयर इन द दिडल ऑफ़ 59 और सो so. वो आ रहे थे जहाँ पर फिफ्टी और 60 तो एक दिन मैं बस सब रिलीज हो चुके थे आई वॉज अलोन लोन देयर जी एम सईद साहब भी उनकी वालदा की तबीयत ख़राब थी उनको पेरोड पर रिलीज़ कर चुके थे बस और वहाँ एक दो नॉन पोलिटिकल लोग थे तो मैं अकेला ही था तो देन सडनली पीपल के होल ग्रुप काफ़ी लम्बे न तो वो उनको इसलिए लेके आए थे कि कि किजन ओवर आ रहे हैं और आप विस्परिंग कैंपेन उनके ख़िलाफ़ कर रहे हैं इसलिए आपको तीस दिन के लिए बंद करते हैं आइजन ओवर वॉज कमिंग फॉर ओनली ट्वेंटी फोर आवर्स बट दे वर ऑल डिटेन फॉर थर्टी डेज एंड नाइट्स ऑन दैट ग्राउंड और उसमें मजे की बात यह है कि डॉक्टर महबूब डॉक्टर एम ए महबूब जो स्टूडेंट लीडर था उस वक्त मेडिकल कॉलेज में वो उस वक्त यहाँ नहीं था वो लाड़काना में कहीं था तो उसका वो जब वापस आया बाकी सब रिलीज होने वो, का टाइम हो रहा है और उस वक्त उनको पकड़ लिया उसी वारंट पर आइजन नवर आके जाने के तीन हफ्ते के बाद उनको पकड़ा और उसको भी यही कहा कि यू हैव कंडक्टिंग विस्परिंग कैंपेन अगेंस्ट द द प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स सो द सेम ऑर्डर एंड ही वॉज अरेस्टेड एट द एंड ऑफ द मंथ एंड कैप्टन इन जेल फॉर वन मंथ है ना तो इस किस्म के हमारे एंडी एंटी मतलब बेटे जो जो हमारे गवर्नमेंट के जो रूल्स एंड रेगुलेशन हुआ करते थे फिर वो गए तो फिर कुछ अरसे के बाद आ, ये जो है ना कि यह आया कॉमरेड हसन नासिर को अरेस्ट किया इन्होंने कराची में वो हसन नासिर के अरेस्ट के साथ फिर कराची के कोई चालीस पचास स्टूडेंट एक्टिविस्ट और पुराने जो 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 प्रोग्रेसिव राइटर्स ट्रेड वगैरह सबको पकड़ के कोई पचास साठ लोगों को अंदर ले आया देर प्रॉब्लम न्यू पार्टनर्स मैं तो अकेला पड़ा हुआ था तो ये आ गए उसमें फिर मिराज मोहम्मद ख़ान उसमें डॉक्टर शेर अफजल और किसी का भी नाम लेने आजकल के जो प्रोग्रेसिव लीडर्स बने हुए हैं या कोई डॉक्टर बने हैं दे ऑल केम टुगेदर तो फैल अबा सर एवरीबडी सब आए वीवर ऑल टुगे और उसके बाद वो उसके बाद उन्हीं दो, उसी दौरान में ये हुआ कि असन नस्कील इन लाहौर और हसन्नासर के डेथ के बाद जो है ना कि फिर मुझे इन्होंने मेरी 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 वाइफ ने वहाँ पर मेजर इसाक ने मेरे वाइफ के साथ दिया वहाँ कोर्ट में मूव किया और मेरे यहाँ से ट्रांसफ़र का ऑर्डर हुआ और मुझे लाहौर ट्रांसफ़र किया और मैं लाहौर जेल में फिर जाकर वहाँ डेढ़ साल रहा लेकिन वो डेढ़ साल में मुझे काफ़ी काफ़ी सहूलतें मिली वो एक तो मैं अभी बताता हूँ उस वक्त का जेल का असिस्टेंट सु, डिप्यूटी सुप्रीन था उसका कोई कंपटीशन था किसी इम्तिहान का तो ही वांटेड ए पेपर टू बी रिटर्न उसको जब मेरा पता चला तो उसने मुझे टाइपरेटर ला दिया रिक्वेस्ट की कि आप एक पेपर मेरे लिए बना लें बी डी सिस्टम एंड क्राइम्स करके तो वो मैंने बना के दिया नहीं दीजा ये हुआ पास हुआ वो प्रमोट हुआ तो उसका प्रमोट, तो उसका प्रमोट होने के बाद का पाँच छः महीना मुझे आई वॉज ऑलमोस्ट ए वी इन जेल बिकॉज ही ईस्ट बी ए स्पेशल कंसिड्रेशन नहीं गए इसी इस दौरान जो है के केस चलता रहा मेरा और जस्टिस केानी ने अल्टीमेटली ये रिलीज मी मैन वो केम यर अलोन जिनका यहाँ कोई भी नहीं है इफ़ ही इज ए डेंजर टू सिक्योरिटी ऑफ पाकिस्तान देन पाकिस्तान डज इन नीड एनी सॉर्ट ऑफ यू नो आई मीन एनी सॉर्ट ऑफ अरेंजमेंट टू सिक्योर पाकिस्तान मैं रिलीज़ करता हूँ कि मुझे रिलीज कर लिया वहाँ से मैं नाइनटीन में रिलीज हुआ उस जेल से रिलीज़ होने के बाद आई है न मेरे पास पैसा था ना जॉब थी न कुछ थी माय वाइफ एंड चिल्ड्रन दे वर लिविंग बिकॉज माय वाइफ वर्कड वर्किंग वुमन वहाँ लाहौर में काम किया उन्होंने कोई स्टिचिंग किया कोई कुछ किया इस तरीके से बच्चों को पढ़ाया और आई केम केम आउट ऑफ जेल आई केम टू कराची और कराची में आते ही मुझे आई गॉट अ जॉब General Superintendent's Company. That, by the way, is the company whose head office in uh, uh, Geneva is accused of giving, uh, you know, I mean, Rishwat to Benazir Bhutto. ये जो है कि जो इंस्पेक्शन का जो ओवरसीज इंस्पेक्शन का उसमें एक एलिगेशन है ना कि इट इज़ दैट कंपनी उस कंपनी का यहाँ के जो कराची ऑफिस का मैं आई वाज वन ऑफ द एग्जीक्यूटिव्स आई गॉट द जॉब मैंने अपने जेल का जो है ना वो पूरा छुपा के रखा उनसे लेकिन एक साल के अंदर उनको सब कुछ पता चल गया इसलिए कि वहाँ मैंने एक यूनियन बनवाया जनरल सुपरेंस कंपनी में वहाँ कॉटन इंस्पेक्टर्स थे जो कस्टम हाउस में जाते थे और वहाँ पर जाकर जो है उनका पूरा लंग्स का बेरा गर्क होता था मैं एक एग्जीक्यूटिव जरूर था लेकिन मेरे पास आकर जो बात करते थे तो मुझे आई कुड नॉट टॉलरेटेड मैंने कहा यूनियन बनाओ मैंने अपने दोस्तों को मिल के पास ले जाके यूनियन बनवाया एंड देन सम ऑफ बिट्रेड मी पुलिस को बुला के मुझे नौकरी से निकाल दिया नाइनटीन तो so देन 1963 ऑफ कोर्स देखको उसके बाद फिर देन रजा काजिम दिस फेमस लॉयर ऑफ लाहौर जो मेरे साथ जेल में था उस वक्त ये वापस बाहर निकलने के बाद इन्होंने एक कंपनी बनाई थी द फर्स्ट दस्ट फैक्ट्री शिप उसके बहुत बड़ा कराची के तमाम सरमायादार पार्टनर्स थे तो उसमें मैंने ज्वाइन किया थैंक्स टू रजा काजिम आई द ऑफिस मैनेजर आई सो आई वॉट अनदर जॉब और दैट ऑन फॉर अबाउट टू इयर्स मगर इन तमाम टाइम पर As soon as uh, political uh, activities resumed in 1962, I was again in the National Awami Party. National Awami Party was back in form and I was the office secretary and then propaganda secretary of National Awami Party in Karachi.